अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नर्मेस्ट इक्वेशन। तो नर्मेस्ट इक्वेशन क्या है जी? E = E₀ - 2.303 RT/nF log 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सो ये है नर्मेस्ट इक्वेशन। लेट्स सपोज कॉम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। पहली बात तो ये है कि व्हाई वी नीड द नर्मेस्ट इक्वेशन। एक्चुअली हम ईएमएफ ऑफ द सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर कैलकुलेट करने के लिए हम नर्मेस्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ई है, दैट इज द ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और ई नॉट क्या है जी? ई नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ईएमएफ। और 2.303 जो है ये कांस्टेंट है, आर जो है दिस द जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट। और टी जो है, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। और एफ जो है, यहां पे दो चीजें रहेगी जी, एन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन आर लॉस्ट आर ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन आर लॉस्ट आर ट्रांसफर्ड। और एफ जो है, दिस इज द फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। F is the Faraday constant। और ये क्या होता है जी? चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं जी? वन फैराडे कहते हैं। और दिस इज इक्वल टू 96,500 कूलम, 96,500 कूलम के बराबर होता है। अब इसमें एक चीज हमने बताया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो ये ऑलमोस्ट गिवन होगी। ये बेशक क्या होगी आपको? गिवन होगी किसी भी न्यूमेरिकल वगैरह के अंदर। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एट दैट टाइम जो हम टेम्परेचर होता है वो रखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, which is equal to 298 kelvin। और जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है आयंस की, आयंस कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 1 मोल, वो कितनी होनी चाहिए जी? 1 मोल। अगर कोई गैस हो तो उसका हम प्रेशर रख लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और वो कितना रखेंगे जी? 1 atm रखेंगे हमेशा। तो ये जो कंडीशंस हैं इनको हम क्या कहेंगे जी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। तो ये जो कंडीशंस हैं इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको क्या कहेंगे जी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। सो हमें किसी भी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के ऊपर ईएमएफ ऑफ द सेल
या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल कैलकुलेट करने के लिए डस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। यहां पे ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये आपने पढ़ा है, ये किसके बराबर होता है जी, रिएक्शन को क्वेश्चन भी कहते हैं इसको। और ये जो हमारे पास है रिएक्शन क्वेश्चन, तो ये क्या होता है जी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सो यहां पे जो अगर हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों गैसेस हो, तो एट दैट टाइम इन दो की जगह पे हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जगह पे क्या ले सकते हैं जी, हम एट दैट टाइम पार्शियल प्रेशर भी ले सकते हैं। अगर हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस हम लिख सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन है इन केस ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ जो प्रोडक्ट में गैस होगी उसको अधिक दिया जाएगा, और जो रिएक्टेंट में गैस होगी उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस यहां पे लिखा जाएगा, और जो प्रोडक्ट में गैस होगी उसका पार्शियल प्रेशर यहां पे लिखा जाएगा। सो इस तरह से भी इक्वेशन लिखी जा सकती है। अब आप देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है दैट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब आप देखते हैं जी, लेट्स सपोज इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। जब आर है जनरल गैस कांस्टेंट, तो यहां एनर्जी की टर्म में जो आर की हम वैल्यू लेते हैं वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू हम इसकी यहां पे यूज करेंगे। और टेम्परेचर हम कितना रखेंगे जी, 298 केल्विन। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हेन देखिए जी, टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन, और जो आर है जनरल गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू की 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और एन को यहां पर रख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केन आर लास्ट है, और फैराडे की वैल्यू लिखते हैं, और फैराडे 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। तो ये जो वैल्यू है, इन सब वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बाय पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म आ जाएगी E is equal to E naught minus ये जो 2.303 RT है, इस सारे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 0.059, यानी हम टेम्परेचर की वैल्यू भी लिखेंगे और इसके साथ साथ हम R की वैल्यू भी लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 96,500 से, तो 0.095 डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा, n log of 10 और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टर की कंसंट्रेशन। दिस इक्वेशन नंबर 2, दिस इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड द नेक्स्ट इक्वेशन, दिस इज अ सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ द नेक्स्ट इक्वेशन। सो मोस्टली जो नेक्स्ट इक्वेशन यूज होती है वो यही है जो आमतौर पर न्यूमेरिकल वगैरह के अंदर यूज होती है। सो लेट्स सपोज हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरह के हो सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो दोनों इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन साइड। जब अगर हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस तरह से अगर हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो दैट इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से ये एक दूसरे के जो है वो क्या होते हैं जी, अपोजिट होते हैं।
तो जस्ट अगर आप एक कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा आपको पता चल जाएगा, जस्ट आपको इसका साइन क्या कर देना है जी, रिवर्स कर देना है। तो ये था हमारे पास नर्स्ड इक्वेशन, बस इसको हमने डिराइव नहीं करना, जस्ट आपके लेवल पे हमने इसको सिर्फ समझना है कि नर्स्ड इक्वेशन क्या है और ये कैसे लिखी जाती है, आपने इसको याद रखना है और किसके लिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप पहले में बता चुका हूं, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन की जो एप्लीकेशन हैं वो क्या है जी, वो है यूज्ड टू कैलकुलेट ईएमएफ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी नर्स्ड इक्वेशन। अब लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हम छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जी। क्वेश्चन, फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2+R+2 0.01 मोलर, ये इसकी कंसंट्रेशन है और ये जाता है जी किसमें, Fe सॉलिड में एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट चेंजेस इनटू द Fe सॉलिड, ये उस कंडीशन में होगा और ये सारे पे चला जाएगा और जो टेम्परेचर है हमारे पास वो कितना जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अब आते हैं जी हमारे पास, हम कोई भी इसमें रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। तो अब हमें ये पता होगा कि ई नॉट ऑफ एफ ई प्लस टू क्या है, तो जब प्लस टू से यानी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, एज ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एफ ई प्लस टू व्हेन दैट गोज इनटू द एफ ई सॉलिड स्टेट, यानी ये क्या कौन सा पोटेंशियल होगा जी, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा और ये कितना होता है -0.45 वोल्ट होता है, -0.45। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन प्लस टू कितना है जी, -0.45 वोल्ट है। और जब हम इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे तो क्या कर देंगे जी, +0.45 वोल्ट कर देंगे। मैंने कहा आपको कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन में अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। तो एज नर्स्ड इक्वेशन उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो नर्स्ड इक्वेशन क्या कहती है जी, नर्स्ड इक्वेशन कहती है E इज इक्वल टू E नॉट -2.303, बल्कि इसको हम फाइनल फॉर्म इसकी लिख लेते हैं जो हमने लिखा था -0.059/n, -0.059/n log of 10 raised to the power product concentration divided by reaction concentration। तो यहाँ पे हमने हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो Fe है और जो रिएक्टेंट है वो Fe प्लस टू है, लिहाजा इसको हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे और हेयर E is equal to E naught -0.059/n log of 10 और ये Fe हमारा प्रोडक्ट है डिवाइड बाय Fe 2 प्लस या प्लस 2 जो है वो क्या है जी, रिएक्टेंट है। तो
इन दोनों की कंसंट्रेशन हमने लिख दी। अब आप देखें जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर हम देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है जी, रिडक्शन पोटेंशियल एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड, तो एफ ई प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनेगा, एफ ई सारे बनेगा। तो लिहाजा यहां पे एन की वैल्यू क्या होगी, टू वैल्यू होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गेन है कितने ही, टू इलेक्ट्रॉन्स है। सो आयरन जो जब रिड्यूस हुआ तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, -0.45 वोल्ट। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ई ऑफ यानी इसका जब हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ई ऑफ एफ ई प्लस टू गिव्स अस एफ ई, यानी इसका इसका रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू, आगे देखते हैं, -0.45 -0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 10, पर वहां एफ ई और एफ ई प्लस टू, एफ ई जो सॉलिड है इसकी कंसंट्रेशन जब प्योर लिक्विड जब प्योर सॉलिड होता है तो एट दैट टाइम कंसंट्रेशन कितनी दी जाती है जी, 1 दी जाती है, ठीक है। तो एफ ई प्लस टू जो है उसके हम देखेंगे 10^-2, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 1/10^-2। सो ये जो कंसंट्रेशंस हमने लिखी हैं 10^-2 और 1 फॉर प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड, ये हम साइड लिख देते हैं, फॉर प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स क्या होगा जी, कंसंट्रेशन कितनी ली जाती है जी, 1 ली जाती है। तो इसलिए हमने यहां पे 1 डिवाइड बाय क्या लिखते हैं, 10^-2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास लॉग 10 है तो लॉग 10 ये इसके साथ ये ऊपर आ जाएगा 10^2, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे जी, दिस इज ई एफ ई प्लस टू गिव्स अस एफ ई यानी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज इक्वल टू -0.45 -0.059 डिवाइड बाय 2। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे लॉग ऑफ 10^-2 है, तो लॉग ऑफ 10^-2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इसको 2 log 10^10 लिखते हैं, तो ई एफ ई प्लस टू इन गिव्स अस एफ ई गिव्स अस दी इक्वल टू -0.45 -0.059 डिवाइड बाय 2 इनटू क्या लिखेंगे जी, 2 log 10^10। ये और अब आप देखें जी जो हमने लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं जी log 10^10 जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सारा मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। अब आप देखें इसको सॉल्व करने के बाद -0.45 तो -0.059 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 कैंसिल जाएगा और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, -0.509
-0.509 वोल्ट, दिस -0.509 वोल्ट, ये आ जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दी सेल। स्टैंडर्ड नहीं है बल्कि हमने कहा किसी भी कंसंट्रेशन और टेंपरेचर के ऊपर फाइंड कर सकते हैं, लिहाजा ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होगी। ये उसके अलावा एसपीएस के ऊपर नॉट का साइन नहीं लगाया जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सो इसके बाद अब आप देखें, आपने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी फाइंड करना है, तो लिहाजा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि जब एफ ई जाएगा एफ ई प्लस टू के अंदर, तो एट दैट टाइम कितना जाएगा +0.509 वोल्ट। तो ये हम डायरेक्ट ही इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होते हैं वो एक दूसरे के साइन में क्या होते हैं जी, अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। तो लिहाजा दिस द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस द रिडक्शन पोटेंशियल एंड दिस वन इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन। तो ये हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। सो नर्स्ट इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर। तो यहां पर देखें, जो हमने टेंपरेचर की जो वैल्यू है वो उसने दी हुई स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन है। तो ये जब हमने टेम्परेचर को पुट कर दिया था यहाँ पे, जो हमारे पास इक्वेशन इससे पहले वाली इक्वेशन उसके अंदर आप पुट कर दिए निकाल लेते हैं, तो 0.059 कहाँ से आया, यहाँ पे था -2.303 आर टी, ठीक है। तो आर की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू भी पुट की, तो उसके बाद हमारे पास ये फाइनल फॉर्म जो हमने यूज की है, किसकी जी, नर्स्ट इक्वेशन की। हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज की बल्कि इसकी जो सेकंड फॉर्म थी जो हमने डिराइव की थी शॉर्टकट फॉर्म, उसको हमने यूज किया है। तो दिस लेट्स सपोज इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, इसको हम 2 कहते हैं, और दिस वन इज द 3 एंड सो ऑन, दिस वन इज 4 5। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। ये हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ दी आयरन, उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया और रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट किया।